रहस्य रोमांच भूलना चाहूंगा। मदद करे, कृपया कोई मेरी मदद करे। सब कुछ रात की काली चादर से ढका हुआ था, चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। इस प्रेतग्रस्त सन्नाटे में मैंने एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ की एक मोटी सी टहनी पर सड़न ली थी। उस पेड़ की टहनी और जड़ें पेड़ के चारों तरफ जमीन में कई जगह पर गहरी गई हुई थी। जब मैं ये सोच ही रहा था कि उस भयानक जगह पर क्या कर रहा था कि तभी मैंने एक जोरदार चीख सुनी जो सीधी मेरे कानों में घुसी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर तक चली गई थी। मदद करें, कृपया कोई मेरी मदद करे। जैसे ही मैंने उस आवाज की तरफ नजर घुमाई, मैं किसी को बहुत तेजी से जंगल की तरफ भागते हुए देखा। मैंने देखा कि जमीन पर चारों तरफ आग लगी हुई थी। पिछली शाम को और रात को बरसात हुई थी और बरसात का पानी तब भी आसपास के कई गड्ढों में भरा हुआ था। गड्ढे में लाल गीली मिट्टी भी थी जो करीब करीब खून के रंग जैसी ही लग रही थी। मैंने एक पानी से भरे गड्ढे में आग के प्रतिबिंब को देखा। मेरी मदद करो, उसी आवाज ने मेरा ध्यान फिर से खींचा। मैंने देखा कि एक औरत आग के और धुएं के बादलों से घिरी हुई थी। मैं उसकी लाल आंखों में देख सकता था। वो मेरी तरफ देखकर जैसे उसको बचाने के लिए विनती कर रही थी। मैंने उसके आगे बढ़े हुए हाथ को देखा। वो चाहती थी कि मैं हाथ बढ़ाकर उसको मृत्यु से बचा लूं। मैंने उसे बचाने की बेताबी महसूस की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे लगा जैसे मुझे किसी चीज ने बांध लिया था। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं विनती करने लगा कि आकाश के बादल बरस पड़े और जंगल की वो आग बुझ जाए। मैंने उसके एक एक अंग को जलकर राख बनकर गायब होते हुए देखा। न हड्डी, न लाश, न राख, कुछ भी बाकी नहीं रहा था। तभी अचानक पानी की बाढ़ आ गई और बची खुची राख को बहाकर ले गई, जैसे कि प्रकृति ही उसकी अस्थियों का जल प्रवाह करने आगे आ गई थी। कुछ देर के बाद सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने अपने हाथ हिलाकर अपने चारों तरफ महसूस किया। मेरे हाथ उस नरम गद्दे को छू रहे थे जिस पर मैं सोया हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर दीवार पर लगे बत्ती के बटन को दबा दिया और बत्ती जला दी। मैं पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था और किसी सूखी पीली पत्ती की तरह कांप रहा था। वो एक भयानक सपना था जो अभी भी नींद टूटने के साथ ही खत्म हो गया था। वही सपना मुझे पिछले 10 वर्षों से दुखी कर रहा था। मैं हर बार उस सपने में उस औरत को आग में जलकर बनते और फिर राख बनते देखता था। मैंने हॉस्टल के अपने कमरे की खिड़की को खोल दिया। मेरे हॉस्टल के पास कुछ 50 मीटर की दूरी पर शिक्षकों के लिए घर बन रहे थे। बाहर देखा तो पाया कि पिछली रात को बरसात हुई थी। पानी में भीगी हुई उन बन रही इमारतों के सामने पड़ी ईंटें खून के रंग की लग रही थी। उत्तर से आ रही हवा के झोंके ने पूरे शरीर में ठंडक पहुंचा दी। एक शांत शाम थी। पानी से भरे गड्ढों में नहाते पक्षियों की चहचहाट थी। मैंने अपनी निगाहें क्षितिज के नीचे फैले घास के मैदानों की ओर बढ़ा दी और शाम के आलस्य के बारे में सोचा। लेकिन यह काल्पनिक था और अगला ही पल जो हुआ वो अभी भी मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देता। अचानक मैंने एक आग की आकृति देखी जो कोने के कमरे से ज्वालामुखी की तरफ उठ पड़ी। पानी से भरे गड्ढे में उतरने से पहले आग की आकृति गीली जमीन पर भटकती रही। इससे पहले कि मैं अभी अभी जो देखा था उसके आघात से बाहर आ पाता, मैं पहले से ही भीड़ में अपना रास्ता बना रहा था आगे जाने के लिए, जो उसी भयावह दृश्य के दर्शक थे। अचानक ही मेरी जिज्ञासा एक भयानक चीख में बदल गई। दूर से जो आग की आकृति दिख रही थी
वो वास्तव में एक औरत का पूरी तरह से जल गया नंगा शरीर था, जो अब पानी से भरे गड्ढे में कीचड़ में पड़ा था। सामने की बन रही टीचरों के लिए इमारतों में से बहुत से लोग आकर उस दृश्य को देखने लगे थे। एक ने कहा, इसके पति ने इसको जिंदा जला दिया, बेचारी औरत, इसका पति शराबी है। वो है कहाँ, पकड़कर पीटो आरामी को, कोई पुलिस को बुलाओ, चलो इस औरत को अस्पताल ले चलते हैं। भीड़ में से इसी तरह की कई आवाजें आ रही थी। दो आदमी शायद जो उस औरत के साथ काम करते थे आगे आए और उसके शरीर को एक चादर में लपेटकर उठाने लगे। वो उसको हॉस्टल की इमारत से बाहर ले गए, पास के एक अस्पताल की तरफ। जैसे ही उन्हें अपनी दृष्टि से गायब होते देखा, मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह बच गई थी या जलने के कारण दम तोड़ गया था। मैं जानना चाहता था कि उसके पति के साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे प्रश्न अनुत्तरित हो गए क्योंकि शाम के रोल कॉल की घंटी बज चुकी थी और समय पर वहां पहुंचने की अत्यावश्यकता ने इस समय अन्य सभी प्रश्नों को खत्म कर दिया था। मैं तुरंत ही रोल कॉल के लिए चला गया। मेरे दिमाग ने पूरी कोशिश की कि मैं उस भयानक घटना को भूल जाऊं, पर मेरी अंतर चेतना ने मुझे कुछ भी भूलने नहीं दिया। आज भी वो औरत मुझे लगभग हर रात को एक भयानक सपने में दिखती है, पर मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।